बादाम मिल्क तो आपने बहुत बार बनाया होगा, पर आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिना कस्टर्ड पाउडर के घर के बिल्कुल बेसिक सामान से बनने वाले एनर्जी ड्रिंक बादाम मिल्क की एक परफेक्ट और इजी रेसिपी, जिसे आप एक बार बना लें फिर आप इसे 2 से 3 दिन तक आराम से फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की। बादाम शेक बनाने के लिए यहाँ मैंने करीब 30 बादाम लिए थे और इनको रात भर मैंने पानी में सोक करके रखा था, क्योंकि हम ये गर्मियों के लिए बना रहे हैं तो बादाम की तासीर जो है ठंडी करने के लिए इसको आप रात भर सोक करें तो बेहतर होता है। और इस तरह से हम छील के इनको इस मिक्सी के जार में डाल देंगे। ये देखिए मैंने सारे बादाम छील लिए हैं और अब हम इस पे डाल देंगे थोड़ा केसर। केसर आप बाद में भी डाल सकते हैं, पर मैंने देखा केसर अगर पीस दिया जाए तो उसका फ्लेवर और कलर दोनों ही बेहतर आता है। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 छोटी इलायची। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे इसमें 1/4 कप शक्कर या शुगर, तो अगर आप ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के अरारोट या फिर कॉर्नफ्लावर, कुछ भी डाल सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि जो बादाम मिल्क बनेगा वो बाजार जैसा थिक और टेस्टी बनेगा, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप फास्टिंग के लिए बना रहे हैं तो आप इसको मत डालें। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये पानी के बिना नहीं पिसेगा। और अब हमें इसको पीस के इसका बिल्कुल थिन पेस्ट तैयार करना है। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है और आप देखें बिल्कुल थिन है ये, तो इसी तरह का पीसना है हमें। अगर आपको लगता है इसमें थोड़े से चंक्स बाकी हैं तो आप एक बार इसको छान लें तब यूज़ करें। और आइए अब चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। अब हम बादाम मिल्क को कुक करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 1 लीटर दूध। गैस की फ्लेम को हम फुल पे कर देंगे और दूध में एक बॉयल आने देंगे। दूध में बॉयल आ गया है, अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम लो पे कर देंगे और इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसको आप थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें, जिससे कि इसमें मलाई ना पड़े। अगर इसमें मलाई की लेयर आ जाएगी तो फिर बादाम मिल्क पीने में अच्छा नहीं लगेगा। दूध को मैंने करीब 5 से 6 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसमें पीसा हुआ बादाम का मिक्सचर डाल देंगे। इसके साथ ही हम थोड़ा सा दूध लेंगे और वापस मिक्सी के जार में डालेंगे और जो भी मिक्सचर बचा था वो हम वापस डाल देंगे। और अब हमें इसे धीमी आंच पे कम से कम 10 मिनट तक पकाना है, या जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी थिक ना हो जाए। तो पर हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा थिक हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर इसको कस्टर्ड वाली कंसिस्टेंसी का नहीं बनाएंगे, हम इसको यहाँ पर शेक वाली कंसिस्टेंसी का रखेंगे। मिक्सर को मुझे चलाते हुए 10 मिनट हो गए हैं और आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी थिक हुई है। और अब हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। तो ठंडा होने के प्रोसेस में आप इसको बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो इसमें मलाई की लेयर आ जाएगी। और जब ये इतना ठंडा हो जाए कि आप इसको फ्रिज में रख पाए, तब इसको आप करीब 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और इसको बिल्कुल चिल्ड कर लें। आप इस बादाम मिल्क को 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख के आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे बादाम खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरह से उनको बादाम मिल्क पिलाएं, ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ट्राई करें और हमें फीडबैक में बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।